ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। ये वही बयान है जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी किसानों के दुश्मन बन बैठे। लखीमपुर से लगने लगा यूपी का सिस्टम अस्थिर हो गया। भाषण में टेनी जिस तरीके से बात कर रहे हैं वह किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि की भाषा कतई नहीं हो सकती। टेनी के बयान से भी यही लगता है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक की ताकत से ज्यादा ताकतवर उनका अतीत लगता है। अतीत जिसमें बाहुबल की वानगी थी, दबंगई थी, इलाकाई ठसक थी और हत्या का मुकदमा था। मोदी कैबिनेट के मंत्री अजय मिश्रा टेनी का पूरा अतीत क्या है ये बताएंगे, लेकिन पहले उस बयान की बात कर लें जिसके चलते भयंकर बवाल हुआ। 8 लाशें बिछ गईं, बारिश में पानी से भीगी मिट्टी खून से सन गई, गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम आपको कल ही दिखा चुके हैं, लेकिन कैमरे और आंखों के सामने चल रही कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। क्या टेनी ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था जिसको लेकर उन्होंने भाषणबाजी की थी? टेनी ने चुनौती स्वीकार की जिसके चलते रक्त रंजिश की घटना हुई, या फिर जो कुछ हुआ महज संयोग था? जो कुछ भी हो, लेकिन ये पहला कांड होगा जब मोदी और योगी दोनों के लिए कांटा बन गया है। कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री बने अजय मिश्रा टेनी कल शाम से भाजपा के लिए दाग बन गए हैं। बात करें अजय मिश्रा टेनी के इतिहास की तो उनका इतिहास बाहुबल और दबंगई से भरा पड़ा है। टेनी का निघासन इलाके में दबदबा दशकों से कायम है। कानपुर से वकालत की पढ़ाई करने वाले टेनी पेशे से किसान और बिजनेसमैन हैं और अरसे से आरएसएस के लिए काम करते हैं। बचपन से खेलों के शौकीन टेनी पहलवानी भी करते हैं। लखीमपुर में टेनी महाराज नाम से फेमस अजय मिश्रा ने 2012 में सियासत में कदम रखा और अपने रसूख के दम पर पहली बार में ही निघासन से विधायक बन गए। उसके बाद भाजपा ने उन्हें 2014 में खीरी लोकसभा का टिकट दिया और ऐतिहासिक जीत के साथ सांसद बन गए। 2019 में 2014 से भी बड़ी जीत हासिल कर टेनी दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। टेनी को आदर्श सांसद का सम्मान भी मिल चुका है जो कि यूपी के किसी भी सांसद को आज तक नहीं मिला। और आखिरकार सियासत में अजय बन चुके अजय मिश्रा के रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें 2021 में मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री का पद दे दिया गया। भाजपा का टेनी को मंत्री बनाने के पीछे ब्राह्मणों को खुश करने का इरादा था, लेकिन रविवार को जो हुआ उसके बाद टेनी का नाम बदनाम हो गया। टेनी पर लगने वाले हर इल्जाम की छींटें भाजपा के दामन पर पड़ रही हैं, जिससे सीएम योगी भी परेशान हैं, क्योंकि 8 लोगों की मौत के बाद यूपी में बवाल मचा है। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखने का दावा करने वाले योगी जी बवाल के बाद बैकफुट पर हैं। कुछ ही महीनों बाद यूपी में चुनाव है, ऐसे में ये बवाल योगी सरकार की छवि को डैमेज कर रहा है। लखीमपुर के टेनी महाराज गोरखपुर के योगी महाराज का 2022 चुनाव में मटियामेट भी कर दें, इसमें ताज्जुब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।